सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आपको भी हमारी क्रिकेट जगत की सभी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साल 2019 का सफर भारतीय टीम के लिए अब तक बेहद ही लाजवाब रहा। आपको बता दें कि इस साल में भारतीय टीम ने लगभग हर एक खेली गई T20 व वनडे सीरीज को अपने नाम किया है। भारतीय टीम भले ही वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके अलावा भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के बाद अब तक हर एक सीरीज को जीता है। साल 2019 तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन नए साल के साथ भारतीय टीम को 5 तारीख से ही श्रीलंका की टीम के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। श्रीलंका की टीम भारत का दौरा करने जा रही है और इस दौरान वह केवल इसी T20 सीरीज का हिस्सा बनेगी। आपको बता दें कि हाल ही में इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान भी कर दिया है। तो अब सवाल तो यह उठता है कि वह 15 खिलाड़ी तो सबकी नजरों में आ चुके हैं जो कि इस सीरीज का हिस्सा बनेंगे, लेकिन क्या भारतीय टीम में पहले T20 से ही कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर नहीं? चलिए स्टूडियो में पता लगाते हैं कि पहले T20 मुकाबले के लिए टीम में आखिरकार बड़े बदलाव क्या होंगे। तो पहला सा सीधा बदलाव तो यह है कि टीम में अब रोहित शर्मा नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है और उनकी जगह टीम में लेने के लिए आ चुके हैं शिखर धवन। तो धवन तो वैसे भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन हाल ही में चोट लगने के कारण वह टीम से बाहर हो चुके थे और अब जब रोहित शर्मा टीम से बाहर हुए हैं तो वह रिकवर होकर उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा भारतीय टीम में एक और व सबसे बड़ा बदलाव होने की भी अपेक्षा जताई जा रही है। जैसा कि हमने हाल ही के समय में देखा कि संजू सैमसन को टीम में कई बार मौके दिए गए, यहाँ तक कि खेली गई हाल ही में बांग्लादेश व वेस्ट इंडीज की के खिलाफ T20 सीरीज में भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा थे। हर एक मुकाबले में केवल ऋषभ पंत को ही मौके दिए गए, लेकिन अब जल्दी होने वाली श्रीलंका की टीम के खिलाफ इस T20 सीरीज में शायद संजू सैमसन को मौका देना ज्यादा जरूरी समझा जाए। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि संजू सैमसन फिलहाल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। टीम में खेली गई घरेलू टूर्नामेंट में संजू सैमसन ने मुंबई की टीम की तरफ से 37 गेंदों में 80 रन जड़ दिए थे। अलावा हाल ही में रणजी ट्रॉफी की टीम की तरफ से केरल की तरफ से खेलते हुए संजू सैमसन ने अकेले ही 78 रनों की एक तूफानी पारी खेली। और सिर्फ इतने नहीं, आपको बता दें कि IPL 2019 के दौरान भी संजू सैमसन का प्रदर्शन उम्दा था। ऐसे में T20 विश्व कप को देखते हुए अगर भारतीय टीम के चयनकर्ता एक और विकेट कीपर अल्टरनेटिव को तलाश रहे हैं तो संजू सैमसन ऑप्शन के लिए पूरी तरीके से भारतीय टीम में फिट बैठते हुए नजर आते हैं। तो तीसरा और चौथा बड़ा बदलाव रहेगा भारतीय टीम के गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। अब जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि इस T20 सीरीज के लिए ना तो मोहम्मद शमी टीम में होंगे और ना ही भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार हाल ही में चोटिल हो गए थे, तो वहीं मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। दोनों ही गेंदबाजों की जगह टीम में आप सभी को दिखेंगे शार्दुल ठाकुर व नवदीप सैनी। दोनों ही खिलाड़ियों को हाल ही में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ खेली गई ODI सीरीज का हिस्सा बनाया गया था और दोनों का प्रदर्शन काफी उम्दा था। लेकिन अब यह देखना होगा कि कप्तान विराट कोहली किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करेंगे और किस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये फटाफट से इन बड़े बदलावों के बाद भारतीय टीम के एक संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। उनकी तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा नहीं बल्कि शिखर धवन व KL राहुल नजर आएंगे। बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर व संजू सैमसन। ऑलराउंडर्स की भूमिका को निभाएंगे रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे। अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करी जाए तो टीम में कुलदीप यादव को जगह दी जाएगी और तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर व नवदीप सैनी के हाथों में। तो एक नजरिए से देखा जाए तो टीम में कई बड़े बदलाव होंगे। आप सभी को क्या लगता है, क्या खास तौर पर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।